हाय गाइस, दिस इज रेहान एंड वेलकम बैक टू एम ब्रोज रिएक्शन। और ये है हमारा सेकंड क्यू एंड ए वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूँ जो भी आपने हमसे फेसबुक पर पूछे थे। पहला क्वेश्चन है हीरा मोहम्मद का। उन्होंने पूछा है विच फूड डू यू लाइक द मोस्ट। सो चिकन में मुझे कुछ भी ला दो, सब कुछ पसंद है मुझे। और एक और क्वेश्चन किया है उन्होंने, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट लाहौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड हिज करप्शन। यार, पॉलिटिक्स के बारे में तो मुझे इंडिया का कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं पाकिस्तान का नॉलेज कहाँ से रखूँगा। उस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे खिजरा ने। उन्होंने पूछा है, इफ़ यू गेट अ चांस देन वुड यू लाइक टू विजिट टू पाकिस्तान एंड विच पाकिस्तानी सिटी डू यू लाइक द मोस्ट। डू यू हैव एनी रिलेटिव इन पाकिस्तान। खिजरा, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है पाकिस्तान में। काश होता तो मैं वहाँ आ सकता, आता जाता रहता। और अगर मुझे चांस मिला तो मैं ज़रूर पाकिस्तान आऊँगा। और पाकिस्तान में मुझे सबसे अच्छी सिटी कराची लगती है, क्योंकि कराची ही मैंने अभी तक देखी है पाकिस्तानी मूवीज़ में। और बाकी FTD फैक्ट्स के वीडियो मैंने अभी तक देखे नहीं है, बट मैं अब देखूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहरा जुबीन का। उन्होंने पूछा है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट पाकिस्तानी मूवीज़। पाकिस्तानी मूवीज़ के बारे में मेरे थॉट्स तो यही है, पाकिस्तानी मूवीज़ काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं और काफ़ी बिजनेस भी उनका बढ़ रहा है, और स्टोरी लाइन भी और एंटरटेनमेंट काफ़ी अच्छा होता है पाकिस्तानी मूवीज़ में। और धीरे धीरे बहुत ही जल्दी पाकिस्तानी मूवीज़ भी 100-100 करोड़ कमाने लग जाएंगी, क्योंकि बहुत जल्दी तरक्की होने वाली है। जैसे जैसे सिनेमाज़ बढ़ते जाएंगे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे, वैसे वैसे लॉलीवुड की मूवीज़ का बिज़नेस भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहिदा खान का। उन्होंने पूछा है, आपका फेवरेट OST किस ड्रामे का है। मुझे रंगरेजा जो ड्रामा है उसका OST मुझे बहुत पसंद है। साहिर अली बग्गा ने आई थिंक उसे गाया है, और मैं डेली सुनता हूँ, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट में है। सुरमई शामों में मिलके सतरंगी सपनों में सुल गए, बहुत अच्छा सॉन्ग लगता है मुझे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल जब्बार की तरफ से। उन्होंने पूछा है, आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हो। मैंने जो सॉफ्टवेयर बताया था आप लोगों को, किने मास्टर, मैं उसी से अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। और अगर आप चाहें तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बनाकर भी दे सकता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। बस आपको पीछे एक ग्रीन पर्दा लगाना होगा और उसके सामने आपको शूटिंग करना होगी। बहुत सिंपल है, मैं आपको एक वीडियो ज़रूर बना के बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहजाद रॉय की तरफ से। उन्होंने पूछा है, मुझे भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है रिएक्शन वीडियोज़ का, क्या मुझे व्यूज़ मिलेंगे। यार भाई, अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन आपको रिएक्शन वीडियोज़ बनाना ही है। आप अपनी कंट्री का मत बनाओ, आप दूसरी कंट्रीज़ के वीडियोस देखो। जैसे इंडिया के किसी ट्रेलर को देखो या बांग्लादेशी ट्रेलर्स को देखो, आपको ज़्यादा व्यू मिलेंगे। क्योंकि आप ही की कंट्री के वीडियोस आप देखोगे तो किसी को भी मज़ा नहीं आएगा आपका रिएक्शन देखने में। मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आपको रिएक्शन वीडियो बनाना ही है तो आप किसी और कंट्री के वीडियोज़ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फातिमा शेख का। मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, बट मैं अपना फेस शो नहीं कर सकती, क्या करूं। अगर आपको फेस शो नहीं करना है तो आप डायरेक्ट वीडियोस भी बना सकते हैं अपनी डायरेक्ट वॉइस से। और वीडियो में आपको कुछ फ़ोटोज़ डालना पड़ेंगे उसके लिए, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप खुद अपने सब्सक्राइबर्स से फेस टू फेस बात करेंगे तो उनका ट्रस्ट आप पर ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप फेस शो नहीं कर सकते तो आप हिजाब पहन सकते हैं, जैसा कि अभी आमिर खान की आने वाली फिल्म में सीक्रेट सुपरस्टार में जो लड़की दिखाई गई है वो हिजाब पहनकर सॉन्ग्स गाती है और यूट्यूब पर अपलोड करती है और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। वैसा कुछ आप कर सकती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अजहर अफरीदी का। कभी किसी इंडियन लड़की को भी लाओ भाई अपने वीडियोस में, उससे आपके सब्सक्राइबर्स की स्पीड भी बढ़ जाएगी और हमें इंटरटेनमेंट भी मिलेगा। भाई, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि मैं अगर किसी लड़की को लाऊंगा तो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर कोई आ जाए, कोई मान जाए तो ज़रूर उसके साथ मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल तो आप मुझसे ही काम चलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफसा की तरफ से। उन्होंने कहा है, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, क्या आप अपनी यूट्यूब अर्निंग मुझे बता सकते हैं। यार अफसा, अभी मुझे यूट्यूब अर्निंग कुछ खास हो नहीं रही है, और अभी तक तो मुझे पहला पेमेंट भी नहीं मिला है। जब मुझे मिल जाएगा, जिस दिन, मैं उस दिन आपको बता दूंगा मुझे कितने पैसे मिले हैं। फ़िलहाल मेरे $77 हो चुके हैं, और जब $100 हो जाते हैं तब यूट्यूब आपको आपके बैंक में पेमेंट भेजता है। अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्दी $100 भी हो जाएंगे। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए थे हमारे वो पोस्ट में। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। चलिए अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।